नो कपिल शर्मा शो, नो अदर शोज, ओनली थगेश शो। मुझे पर्सनली थगेश का शो बहुत पसंद है और थगेश का थर्ड एपिसोड आ गया है विद ट्रिक इंसान, उसका भाई फुकरा इंसान और थगेश खुद, क्योंकि वो उसका ही शो है। अगर आपने थगेश शो देखा होगा तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में जब वीडियो शुरू होती है तो पहले तो एक दूसरे को रोस्ट करते हैं, फिर थगेश उनको मीम्स दिखाता है जो वो खुद बनाता है, उसके बाद वो लोग कुछ गेम खेलते हैं। तो ये है पूरा शो। बट मैं आपको पहले बता दूं कि ये पूरा थगेश शो का पूरा स्क्रिप्ट थगेश खुद लिखता है, उसके ही अकॉर्डिंग जो भी कुछ बोला जाता है वो थगेश के स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बोला जाता है। देखो थगेश ना बहुत स्मार्ट है, क्योंकि उसने अपने पहले ही थगेश शो के एपिसोड में भुवन बम को बुलाया, क्योंकि भुवन बम बहुत बड़ा यूट्यूबर है और उस टाइम भुवन बम की वेब सीरीज लॉन्च हुई थी ताज़ा खबर, इसका प्रमोशन भी हो गया और थगेश का फर्स्ट एपिसोड भी आ गया सेकंड में। फिर थगेश ने उर्मिला और मिथ्यात को बुलाया जिनकी नई नई शादी हुई थी और वो ट्रेंडिंग में चल रहे थे, तो वो थगेश के शो में आ गए। फिर उसके बाद अब थर्ड एपिसोड में ट्रेयर इंसान एंड फुकरा इंसान को थगेश ने एज अ गेस्ट बुलाया, तो इस एपिसोड में भी मुझे लगता है काफ़ी हिट होने वाला है, क्योंकि थगेश शो भी बहुत लोग पसंद करते हैं और ट्रेयर इंसान के भी बहुत फैन फॉलोइंग्स है, तो उसके भी व्यूज थगेश के शो पे आएंगे। फुकरा इंसान के भी बहुत डिफरेंट फॉलोअर्स है, तो वो भी व्यूज थगेश के शो पर आएंगे, मतलब ऑल ओवर सबके व्यूज मिला के थगेश शो पे आने वाले, तो पक्का थगेश शो हिट होने ही वाला है। और थगेश का पहला ही एपिसोड जो भुवन बम के साथ था, थगेश का पहला ही एपिसोड नंबर वन ट्रेंडिंग में चल रहा था वीडियो आने के बाद। आपको अगर याद होगा कि थगेश के फर्स्ट एपिसोड में भुवन बम जब आया था तो थगेश ने भुवन बम को रोस्ट किया था, फिर भुवन बम ने थगेश को रोस्ट किया था। पता है भुवन बम के कोई हेटर्स क्यों नहीं है? बंदा वीडियो साल में एक बार डालते हैं, हेटर्स भी भूल जाते रहेंगे इसको। अच्छा ऐसे खुद का भी बनाया करो कुछ। ऑनेस्टली जानते हो मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करता हूँ? हाँ? थगेश अनफिल्टर्ड दो चैनल है। बिल्कुल, थगेश अनफिल्टर्ड मेरा फेवरेट है, काई को? क्योंकि उसमें तुम्हें पता है ना कि तुम लो एफर्ट कंटेंट बनाते हो। भुवन भाई ये सब चीजें ना ऑलरेडी थगेश लिख चुका होता है कि क्या करना है एपिसोड में, तो वही सब होता है, कोई रैंडम चीजें नहीं होती है वहां पर, लाइक अपने मन से नहीं होता। तो आप सब जाओ थगेश की न्यू वीडियो देखो। अगर आप सबको भी मेरी तरह थगेश शो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।